कहते हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो मंजिल खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही करके दिखाया है राजधानी के विकास यादव ने। विकास ने देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित मानी जाने वाली इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। विकास का चयन भारतीय वन सेवा में हुआ है। IFS परीक्षा में 62वें रैंक हासिल करने वाले विकास जापान में 10 सालों तक बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर चुके हैं। उसके बाद वापस अपने देश लौटने वाले विकास यादव ने वन सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और कड़ी मेहनत और अनुशासन के दम पर दूसरे ही प्रयास में सफलता प्राप्त कर ली। वहीं फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत करते हुए विकास ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको अपना मुकाम खुद ही बनाना होता है। ये प्रेरणा कहीं ना कहीं मेरी फैमिली से मुझे मिली, और क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते थे कि मैं इंडिया में रहकर ही काम करूं और इंडिया के लोगों के लिए ही काम करूं। जापान में गया जरूर था, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले, और मैं कोशिश करूँगा कि जो मुझे वहाँ एक्सपीरियंस हुआ, जो तरीका है, उस एक्सपीरियंस को मैं अपने इस सर्विस में आगे यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिलीजेंस के साथ तैयारी कीजिए।